डॉक्टर के डॉक्टर बने, पहलवानी पहलवानी। बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं दिखाऊंगा भाई एक लड़की का सेंटर है, ये है कहाँ पे, ये ककरोली से है ना, सोनीपत वाले रोड पे खड़ा है ये, बिल्कुल नहर के साथ में एक कच्चा रास्ता जाता है, और ये इनका बोर्ड लगा है, ये बोर्ड दिखा दे, युद्धवीर अखाड़ा है ये, युद्धवीर पहलवान जी, बहुत अच्छे पहलवान, भारत के सी पहलवान है, और फौज में बहुत बड़े ऑफिसर है ये, और देवबीर सिंह पहलवान ये इनके संचालक भी है, और ये युद्धवीर सिंह इनके लड़के हैं, और भाई इतना बढ़िया सिस्टम है, आओ मैं लेके चलता हूँ, बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है, ओनली वहाँ पे लड़कियाँ ही रहती है, रहने का हॉस्टल डाइट, और भाई बढ़िया NS कोच है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत अच्छी लड़कियाँ, और काफ़ी लड़कियाँ है जो भाई अभी इनको नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी लड़कियाँ है, और बहुत सारी सुविधाएं है जो मैं आपको रूबरू कराऊंगा, और ये लेके कच्ची पही जाती है सिर्फ अखाड़े की तरफ, मैं लेके चलता हूँ आपको। ये एंट्री गेट है अखाड़े का, यहाँ पे पहलवानों के जिनके पेरेंट्स आते हैं ना, उनके व्हीकल खड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल खड़ी है, ये व्हीकल गाड़ी, जो लोकल यहाँ गाँव से आते हैं ना, उनके पेरेंट्स या जो लड़कियाँ अप डाउन करती है ना, उनके व्हीकल खड़े हैं। सारी किसे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये मिट्टी का अखाड़ा कितना बढ़िया अखाड़ा है भाई, मैच है खींचने के लिए भाई, यहाँ पे अपने वो क्या ना है, मैच भी लगाते हैं, और रस्से कितने खींचने वाला भी, चढ़ने वाला रस्सा है, और ये कुछ लड़कियाँ यहाँ पे बादाम भी रगड़ती हैं अपने भाई, जो अपने डाइट है भाई प्रैक्टिस के बाद पीते हैं, वे यहाँ पे अपने तैयार भी करते हैं, और मिलते हैं पहलवान जैसे। देखो एक खास बात होती है हरेक अखाड़े की, हरेक अखाड़े में ना हनुमान की मूर्ति जरूर होती है, क्योंकि हनुमान पहलवान जी का एक गुरु भी है, इससे बहुत सारी शिक्षा लेते हैं, और हरेक अखाड़े में हनुमान जी की मूर्ति पाओगे, किसी भी अखाड़े में जाके देखो पहलवानों के अखाड़े में हनुमान की मूर्ति पक्की पाओगी, ये कितनी अच्छी मूर्ति बना रखी है, बहुत अच्छा मंदिर बना रखा है, और ये हॉल है इनका, रेसलिंग हॉल है, और इनको ये हॉल भी दिखाएंगे, और अंदर जाके पहलवान जैसे बात भी करेंगे। यहाँ एंट्री से ये पोर्शन जो है ये हमारा अंदर का रेजिडेंस है, हम अंदर घर में जो रहते हैं यहीं रहते हैं हम सभी पूरी फैमिली, और ये ऑफिस है हमारा, आ जाओ आप शूट कर, तो ये ऑफिस है, यहाँ हमारे पापा रहते हैं वैसे, और जो ऑफिस से रिलेटेड वर्क है वो इसी रूम में हमारा होता है। इसके बाद ये घर है हमारा, तो आगे चलते हम, सामने आप देख सकते हैं ये बाथरूम, और इस साइड में वॉशरूम है गर्ल्स के, वहाँ वाटर कूलर और RO जो लगा रखा है वो, ये जो यहाँ है ये RO है और वाटर कूलर का साथ में, और किचन जो है वो नीचे ही है हमारी, ये है किचन, ये किचन है, यहाँ अभी जो खाना बन रहा है हमारा शाम रात का जो डिनर है वो यही बनाते हैं, और बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए जो तड़का वड़का उनको लगाना है पर्सनली, उनके लिए भी हमने एक अवेलेबल करवा रखा है, बाकी एक आधे बच्चों ने अपना भी रखा हुआ है। ये फ्रिज है, किसी को फ्रिज यूज़ करना हो, दूध वगैरह रखना हो तो यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे जो हमारा किचन है और हम रहते हैं, लड़कियों का जो है वो ऊपर है, एक ही हॉल है, मतलब सभी लड़कियाँ एक साथ रहती हैं, आ जाओ आपको दिखाएंगे। तो एक फ्रिज यहाँ भी लगा रखा हमने, और साथ में ये जो आपको बैटरीज दिख रही हैं ये हमारा जो सोलर से कनेक्शन है इनका, तो अगर लाइट नहीं आती तो हम सोलर यूज़ करते हैं। और ये है हॉल जहाँ पर जो हमारी लड़कियाँ हैं यहाँ रहती हैं सभी जो ट्रेनिंग कर रही हैं, तो यहाँ 50 से ज़्यादा लड़कियाँ अभी रह रही हैं, 55 गर्ल्स अभी यहाँ रहती हैं, और ये अभी घर से आई है तो ये अपना सामान सेट कर रही है, आप देख सकते हो इन्होंने अपना जो रैक है यहाँ पे खाना पीना जो भी उनकी डाइट है वो रखी हुई है, और अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो इनके कूलर
लगे हुए हैं। बाकी जो यहाँ ये रखा हुआ है, ये बच्चों ने अपनी पर्सनल डाइट रखी हुई है, फ्रूट्स हैं और जो भी इन्होंने दूध वगैरह रखा हुआ है, या फिर इनको कुछ अलग से बनाना है तो वो बनाते हैं। और बाकी इनकी जो डाइट आप देख सकते हो यहाँ रखी हुई है, जो रैक दे रखे हैं ये इनमें अपनी डाइट अच्छे से प्रॉपर वे में लगा के रखती है। और भाई टाइम एंड टाइम चेक करते रहते हैं हम कि किसी ने कुछ ख़राब तो नहीं कर दिया, डाइट अच्छे से ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो हम भी प्रॉपर चेक भी करते रहते हैं। तो अंदर ही इनकी स्टोरेज, ये जो बेड के अंदर पूरी स्टोरेज दे रखी है, साथ ही इनको लॉक का सिस्टम भी दे रखा है। भाई इनको अगर कहीं जाना है, घर जा रहे हैं, तो ये अपना इसको लॉक करके जाते हैं। और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ स्पेस दे रखा है हमने बच्चों को, तो इनको अलग से अलमारी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसी में सब कुछ अपना अरेंज कर लेते हैं। सर्दियों का है तो वो पीछे कर दिया, गर्मियों का अब यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो भी है वो यहाँ रखते हैं। एक रूम यहाँ है जहाँ अंदर अभी स्टोरेज थोड़ा सा फुल है, तो अभी यहाँ भी बच्चे रह रहे हैं इस रूम में, अभी उनको शिफ्ट किया हमने। तो ये बेड है, वो तीन चार बहनें हैं वो जो उनको दिया हुआ ये रूम, तो उन्होंने अपना जैसे सामान लगा रखा है। देखो कितना अच्छा हॉल बना रखा है, तो देखो हॉल दिखाओ, देखो कितना अच्छा हॉल बना रखा है रेसलिंग का, बिल्कुल लड़कियों का, कितने रस्से लगा रखे हैं बिल्कुल चढ़ने के लिए, किसी प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं है, बहुत अच्छी सुविधा है भाई। ये टायर कितना भारी, देखो इधर देखा, और बिल्कुल यंग, बिल्कुल छोटी उम्र की लड़कियाँ यहाँ, यही से ओलंपिक लेवल की लड़कियाँ निकलेंगी, जो आगे ओलंपिक मेडल्स यहीं से निकल के जाएंगे लड़कियाँ। और बहुत अच्छे सेंटर चला रहे हैं पहलवान जी, और भाई खुद भी एक इंटरेस्ट पहलवान भी रहे हैं भाई, बहुत अच्छा सिस्टम है इनका रहने का, वो आपको दिखा दिया अभी, कमरे वमरे सब दिखा दिए। कुछ अच्छी लड़कियाँ जो मेडल लेकर आए उनसे बात करते हैं। अच्छा क्या नाम गुड़िया आपका? अंजलि। कहाँ से हो? नारी गाँव से। अच्छा आप यही रहते हो? हाँ। अच्छा आपका एम क्या है, टारगेट क्या है? ओलंपिक गोल्ड मेडल। ओलंपिक मेडल जीतना है? हाँ। अच्छा कोई आपका आइडल है? नेशनल में सिल्वर मेडल है। नहीं ये पूछा आपका कोई आइडल कौन है भाई, किसको देख के आप पहलवानी सीखे? रवि दैया हमारे गांव के। अच्छा रवि दैया आपके गांव के है? हाँ। अच्छा बहुत अच्छा, फिर तो आप तो 100% मेडल लेके आएंगे, क्योंकि आपके गाँव में तो पहलवानी है, खून में पहलवानी है आपके गाँव में। अच्छा ये कितने साल हो गए आपको यहाँ करते? मेरे को एक साल हुआ है। अच्छा कहाँ तक खेली हो? नेशनल सिल्वर मेडल। सर नेशनल सिल्वर मेडल कौन सी कैटे उसमें? अंडर 15। अंडर 50 में। कहाँ से हो? यूपी मेरठ। सो यूपी मेरठ से। अच्छा कहाँ कहाँ खेले हो आप? मैं दो नेशनल खेल चुकी हूँ, एक तो अभी गोंडा था और एक पिछले अभी बिल्कुल दो तीन दिन ही हुए हैं, और एक पिछले साल खेली थी रांची। अच्छा उसमें कौन सा मेडल? रांची में। रांची में भी ब्रॉन्ज था। अच्छा ये गोंडा में हुआ था, ये इसमें भी ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मेडल था भाई। मेहनत करते रहो कोई नहीं गोल्ड भी आएगा, आप ब्रॉन्ज आए तो गोल्ड भी आएगा। अच्छा उस प्रकार की अच्छी प्रैक्टिस होती है यहाँ पे? हाँ। क्या नाम गुड़िया आपका? यशिता। अच्छा बेसिकली आप कहाँ से हो? कुतुबगढ़ दिल्ली। कुतुबगढ़ दिल्ली से। अच्छा इस एकेडमी में कैसे पता चला आपको? यहाँ पे मेरे पापा को पता था। अच्छा वो आपके पापा के रिलेशन से आए हो? हाँ। अच्छा ये बताओ आप कहाँ कहाँ तक खेले हो? मैं नेशनल तक। अच्छा नेशनल में कौन सा मेडल आया? ब्रॉन्ज। कौन से नेशनल हो रहा था वो? अंडर 17। अच्छा अंडर 17 में। और स्कूली कोई जूनियर? हाँ। कौन सा मेडल बताओ, खुल के बताओ, ड्रो मत। सिल्वर। अच्छा जो सब जूनियर में? जूनियर में। सब जूनियर। अच्छा वो अब आपका टारगेट क्या है भाई, किस तरह की आप पहलवान बनना चाहते हो? अच्छी ओलंपिक। नहीं कोई एम भाई, वो साक्षी मलिक या मिनिस फोकाट या किसी को देख के कोई ऐसा, उसे उससे ऊंचा बनना चाहते हो? उससे ऊंचा। अच्छा क्या नाम गुड़िया आपका? इतिशा। अच्छा कहाँ से हो? यूपी मेरठ। यूपी मेरठ से। हाँ जी। अकेडमी में बहुत पूरे इंडिया में चर्चा है, यूपी मेरठ से, कोई झारखंड से, कोई कहीं से। अच्छा कहाँ तक खेले हो अब? नेशनल सिल्वर मेडल। नेशनल में सिल्वर मेडल है? कौन सा नेशनल था वो? वो ग्रैंड फिक्स में हुआ था, नेशनल। अच्छा ग्रैंड फिक्स है जी। अच्छा सब जूनियर जूनियर खेले हो? नहीं अभी नहीं खेली, अभी अंडर 15 की हो ना। अच्छा उसके लिए तैयारी चल रही है? हाँ जी। आपका? स्नेहा। तेज बोलो, थोड़ा ऊँची आवाज में बोलो। स्नेहा। स्नेहा कहाँ से हो? सोनीपत। अच्छा सोनीपत से यही रहते हो? अच्छा कहाँ तक खेले हो? नेशनल। कौन सा नेशनल हुआ था? अंडर 17 के। अच्छा उसमें कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज। और कौन कौन से यहाँ से खेले हो अभी? खेलो इंडिया में। आप बोलो ना अपने मुँह से, तेज बोल, डरो मत, किस बात की जीत गए तू? तो खेलो इंडिया में भी सिल्वर मेडल। खेलो इंडिया सिल्वर मेडल था?
अच्छा कौन सा वेट कैटेगरी थी आपकी? 46 में बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी। अच्छा कहाँ से आप? यूपी मेरठ। यूपी मेरठ से। यहाँ कैसे आए आप? गूगल पे सर्च मारा था तो टॉप अकेडमी निकली थी। अच्छा आपने क्या सर्च कराई होता हूँ? अखाड़ा देखना था, कोई अकेडमी नहीं मिली थी तो डाला कि बेस्ट अकेडमी, तो अच्छा बेस्ट अकेडमी निकाले तब जाके ये अकेडमी से वो हुई है जी। अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, इस अकेडमी का नाम है। कहाँ से खेले हो आप? मैं नेशनल। कौन सा मेडल है? सिल्वर। अच्छा और कौन सी नेशनल खेले से लो? अभी तैयारी चल रही है अभी। हाँ जी। क्या नाम बोलिए आपका? नैन्सी। कहाँ से आप? सोनीपुर। अच्छा यही रहते हो? अप डाउन करते हो? अप डाउन करते हो। अच्छा घर से अप डाउन करते हो? कहाँ तक खेले हो आप? नेशनल। नेशनल कौन सा मेडल आपका? ब्रॉन्ज। कौन सा नेशनल हो रहा था? जूनियर सब जूनियर अंडर 20 में फेडरेशन कप में और ग्रैंड प्रिक्स में। अच्छा ग्रैंड प्रिक्स में उसमें फेडरेशन कप। फेडरेशन कप में है। अच्छा क्या टारगेट आपका? ओलंपिक में मेडल। अच्छा यहाँ के कोच कौन है? कुलवीर सर। और जो मैडम कराती है भी? सीमा मैम, समीक्षा मैम। अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं? बहुत अच्छी कराते हैं। क्या नाम बोलिए आपको? तन्नू पुनिया। अच्छा आप तन्नू पुनिया यानी बजरंग पुनिया गांव से? हाँ जी। ओ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। आपके गांव के खुद पहले ओलंपिक पहलवान है तो आपको तो फिर टारगेट वही ओलंपिक का टारगेट है आपका भी? हाँ जी। अच्छा कहाँ तक खेले आप? नेशनल लेवल तक। नेशनल कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज। कौन सा नेशनल था? अंडर 15 का। अंडर 15। अच्छा फिर आपका टारगेट तो पता नहीं, जरूरत है नहीं यार, क्योंकि बजरंग पुनिया आपके गांव के है तो आपको तो टारगेट ओलंपिक का होगा। हाँ जी यही बात है ना। ठीक है। क्या नाम बोलिए? नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी कहाँ से हो? तेलंगाना से। तेज बोलो, क्या कहाँ से हो? तेलंगाना से। तेलंगाना से, ये कहाँ पे पड़ता है? साउथ साइड। साउथ साइड, तो साउथ से भी आप यहाँ कैसे आए आप यहाँ पे? पापा से। अच्छा पापा आपके पहलवान है? नहीं, और ऑटो चलाते हैं पापा पहलवान। अच्छा ऑटो चलाते हैं, वो कोई बात नहीं। इस एकेडमी में कैसे पता लगे आपको? फोन में गूगल में सर्च किया आपने? बेस्ट एकेडमी। बेस्ट एकेडमी सर्च किया और ये एकेडमी निकलाई? हाँ पसंद है पापा। अच्छा फिर आपका टारगेट क्या है? ओलंपिक तक खेलना। अभी कहाँ तक खेले हो? नेशनल तक। नेशनल कौन सा मेडल है? मेडल तो नहीं। अच्छा पार्टिसिपेट, कौन सी वेट कैटेगरी थी आपकी? 57। 57 केजी में, ठीक है। क्या नाम बोलिए आपका? कोमल बाजवा। क्या बता? कोमल बाजवा। अच्छा कहाँ से हो आप? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से। अच्छा यहाँ कैसे आए आप? प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं प्रैक्टिस करने के लिए आए, मैं आए किसके थ्रू, कैसे पता लगा इस अकेडमी का, ये पूछ रहा हूँ मैं। पापा के फ्रेंड ने बताया था। अच्छा आपके पापा पहलवान है? हाँ पहले करते थे, चोट लग गई थी फिर उनको। अच्छा अच्छा अब कहाँ तक खेले हो आप? नेशनल। कौन सा नेशनल था? ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड, कौन सा मेडल आपका? ब्रॉन्ज। अच्छा वेट कैटेगरी कौन सी थी आपकी? 59 के जी। अच्छा उस तरह की प्रैक्टिस होती है, आपका टारगेट क्या है? ओलंपिक। ओलंपिक की प्रैक्टिस होती है अभी? हाँ जी। कितने टाइम प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ पे सुबह भी 4-5 घंटे होते हैं, शाम को भी। अच्छा यानी कि 8 घंटे प्रैक्टिस होती है। डाइट जितनी आज घंटे प्रैक्टिस करते हैं डाइट लेते हो? हाँ जी। क्या नाम गुड़िया आपका? अनमोल। कहाँ से हो? रेवाड़ी। अच्छा रेवाड़ी, ये झज्जर से ऊपर? हाँ। अच्छा यहाँ कितने साल हो गए आपको? 1 साल। 1 साल हो गया। कहाँ तक खेले हो आप? नेशनल। कौन सा नेशनल हुआ? हरिद्वार वाला। नहीं नेशनल कौन सा, सब जूनियर? ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स में। कौन सा मेडल है आपका? पार्टिसिपेंट्स। वेट कैटेगरी कौन सी थी? 46। अच्छा एक बात हो, आपका फेवरेट दाग कौन सा है जो हर एक में अप्लाई करते हो? डबल अटैक आपका फेवरेट दाग है, हर एक में अप्लाई करते हो, उसी कितनी बार प्रैक्टिस करते हो? टेक्निक में। नहीं रैप कितने लगाते हो, कितनी बार प्रैक्टिस करते हो उसकी? मतलब कि हर एक टेक्निक 10-10 टाइम करते हैं, फिर लास्ट में जो टाइम बचता है उसके लिए करते हैं बाकी। अच्छा उसकी ज़्यादा करते हो एक्स्ट्रा टाइम, लेग अटैक की है। ठीक है। क्या नाम बोलिए आपका? राधिका ब्रजवासी। अच्छा राधिका ब्रजवासी, ये तो एक बाबा जी है, क्या नाम है वो मशहूर है, क्या नाम है, कहाँ से आप? इंदौर से सर, एमपी। इंदौर एमपी से। अच्छा यहाँ कैसे आए आप? पापा के थ्रू सर, सर पापा को पहचानते थे फिर उनके से प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे। अच्छा सर का भी वैसे नाम है सर, अच्छे पहलवान भी हुए हैं, इंटरेस्ट पहलवान भी हुए हैं सर, यानी कि भाई भी बहुत अच्छे पहलवान हुए हैं, और जो मैडम कराई वे भी अच्छी पहलवान है।
अच्छा कहाँ थे खेले आप? नेशनल सर। कौन सा नेशनल था? अंडर 23 और ग्रैंड प्रिक्स का। अच्छा कौन सा मेडल आपका? फोर्थ पोजीशन पार्टिसिपेंट। अच्छा आपका टारगेट क्या है? ओलंपिक मेडल सर। बस ये सभी यहाँ ओलंपिक लेवल के रहते हैं, वैसे तो मुश्किल है ना। हाँ जी सर। ना ठीक, क्या नाम बता गुड़िया? शिक्षा कर्म। अच्छा कहाँ से हो? हिसार से। हिसार से। अच्छा अब कहाँ तक खेले हो? इंटरनेशनल अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप। अच्छा एशियन चैंपियनशिप में इसका गोल्ड मेडल। एशिया चैंपियनशिप का गोल्ड अंडर 17। अंडर 17 के जिम है। दो तीन बार की नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट है। दो तीन बार की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। अंडर 15 की भी, 17 की भी। अंडर 50 के 17 की। अब की बार तीन जो टाइटल हुए थे, दंगल हुए थे, हिसार में हुआ था, रोहतक में हुआ था और सोनीपत से सेनागांव में हुआ था, उसके भी टाइटल विनर है। टाइटल विनर है ओपन कैटेगरी की। अच्छा ये बताओ कि आपका टारगेट क्या है? जो रेसलिंग में आता है सबका मेन टारगेट ओलंपिक ही होता है। बस ओलंपिक का टारगेट है। हां हर प्लेयर का वही होता है। हां हर प्लेयर का वैसे ही करे। अच्छा फिर ये बताओ डाइट में क्या लेते हो आप? डाइट में वही घी दूध बादाम बस यही। देसी डाइट है। तो प्रोटीन रोटी ऐसी कोई चीज नहीं देते? नेचुरल डाइट होती है। हां जो है नेचुरल है सर, जो बताते हैं बस वही। अच्छा प्रैक्टिस कितने टाइम करते हो? प्रैक्टिस वही दो टाइम सुबह शाम सर के अंदर। कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो भाई? जो इंटरनेशनल लेवल पे आप गए हो कोई इसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो? उसके लिए सर बहुत करवा देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती सर, दोनों टाइम में पूरा करते हैं बहुत करवा देते। अच्छा आपका फेवरेट था कौन सा जो हर एक पर अप्लाई करते हो? इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत के लाए उसका फेवरेट? अभी करंट की भी गोल्ड मेडलिस्ट है 65 kg की। अच्छा 65 kg की। अभी 3-4 दिन पहले हुआ था सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जो गोंडा में हुई थी, उसकी है गोल्ड मेडलिस्ट। उसकी भी गोल्ड मेडलिस्ट है। उसमें हमारी 4 लड़कियों ने भाग लिया था, उसमें इसका गोल्ड आया था और दो का ब्रॉन्ज मेडल आया था। अच्छा वो वे दोनों लड़की भी यही है, आपसे यही पे है। अच्छा ये बताओ एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे भाई, आप यही रहते हो? हाँ यही रहते हो, हॉस्टल में। हॉस्टल में कैसा हॉस्टल है यहाँ पर रहने का? बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा माहौल है, बिल्कुल मम्मी पापा की। आप यहाँ आए कैसे? मैं जो मैम है मेरी दीदी है इसलिए उन्हें बुलाया था मुझे। क्या नाम होगी दीदी का? सीमा खड़गे। अभी मेरे जो बड़ी मैडम है सिस्टर है ये। अच्छा उसके चाचा की लड़की है। उसके चाचा की लड़की है। ये नहीं तो खून में पहलवान दी है। हाँ। ये तो फिर वैसे ही पहलवान बन दी है। अच्छा क्या नाम गुड़िया आपको? दीपाशा। अच्छा कहाँ से आप? सोनीपत। प्रॉपर सोनीपत से? खंडा गाँव से। अच्छा खंडा गाँव से यही रहते हो? हाँ जी। अच्छा आपके अचीवमेंट बताओ, बहुत अच्छी। स्टार्टिंग स्कूली नेशनल से हुई थी अंडर 19, उसमें गोल्ड था। थोड़ा ऊँचा बोलो सर, तेज बोलो। स्टार्टिंग जूनियर अंडर 19 नेशनल से हुई थी स्कूल गेम्स जो कि कोल्हापुर हुए थे, उसमें गोल्ड था। उसके बाद जूनियर नेशनल बिलारी सिल्वर, उसके बाद पटना जूनियर नेशनल उसमें भी सिल्वर था। फिर अंडर 23 अमेठी उसमें गोल्ड, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल। अच्छा जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी आपका सिल्वर मेडल है? हाँ जी। बहुत अच्छी प्लेयर हो आप तो। फिर सीनियर नेशनल में एक बार ब्रॉन्ज, एक बार सिल्वर मेडल। सीनियर नेशनल में भी मेडल आपका ब्रॉन्ज, एक बार सिल्वर। जॉब लगी आपकी? अभी नहीं, अभी जॉब नहीं लगी। अच्छा अच्छा कौन सा वेट कैटेगरी थी आपकी? 76। बहुत अच्छे पहला आपका इंटरनेशनल पहला ना, बहुत अच्छे पहला। ये खरीद जो आया था एशियन चैंपियनशिप उसमें भी इसका सिल्वर मेडल था। अच्छा जो 23 वाला उसमें भी सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल ठीक है ठीक है। आपका ज्योति। अच्छा आपके बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी। या अप डाउन करते हैं? पहले अप डाउन करते थे, अब परमानेंट है। अच्छा ये आप उसमें देख रेख करने आते हो? हाँ बीच बीच में देखने के लिए कि किस तरह कर रहे हैं प्रैक्टिस। नहीं अभी कुछ उसके खाने या दूध का ऐसा कुछ प्रबंध कर लेते हो क्या? वैसे देखने नहीं, यहीं से कर रखा सारा। अच्छा यहीं से कर रखा, बाहर से कोई जाने की जरूरत नहीं? नहीं मतलब जैसे अपने बादाम वगैरह तो घर से लेके आते हैं, बाकी दूध वगैरह यहीं से लगवा रखा है, फल फ्रूट यहीं सब कुछ यहीं मिल जाता है। हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम मीना। अच्छा आपके बच्चे भी ये प्रैक्टिस करे? हाँ मेरी बेटी है। अच्छा आपकी बेटी है जी। यही छोड़ रखी है या घर से बुलाऊं करती है? ये अब मैं यही छोड़ूंगी, फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ मैं इसे। अच्छा आज इसकी ट्रायल है जी। अच्छा फर्स्ट डे है जी। हाँ ये तो फिर अच्छी अकेडमी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। इंटरेस्ट है इंटरेस्ट प्लेयर यहाँ पे। क्या सर आपका? मेरा भाई अनिल खोखर है। अच्छा अनिल खोखर है। अच्छा वो लड़की थी, क्या नाम खोखर है? गाँव है आपका? गोत है सर? गोत है जी। कंसड़ा गांव हमारा। कंसड़ा गांव रोहतक डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा आपकी लड़की यही रहती है कि? यही रहती है। आप उसकी देख रेख करने आते हो? हाँ देख रेख के बाद देख जाए वो फल फ्रूट दे जाए हफ्ते में एक बार। अच्छा
जो उसकी डाइट का मैं प्रॉब्लम है वो तो सब कुछ यही मिल जाता है। सब कुछ यही मिलता है। अच्छी एकेडमी है। बहुत अच्छी एकेडमी है। क्या नाम सर का? मेरा नाम सुरेश है जी। कहाँ से हो? मैं समचाना गाँव से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रदीप भी हमारे मित्र हैं, वे मेरे क्लास फेलो हैं। अच्छा, आपकी लड़की यही रहती है? मेरी लड़की है जी साक्षी। यही रहती है? हाँ यही रहती है जी। अच्छा, आप उसकी देख रेख करने आ जाते हैं? देख रेख करने के लिए आते हैं जी। जोर देख ले कोसा भी कह दे भाई, हफ्ते में 10 दिन में देख लो अपना बच्चे। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम सर आपका? जी संदीप कुमार है मेरा नाम। संदीप कुमार पहलवान भी बहुत अच्छे पहलवान जी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है इधर। मेरा नाम है समीक्षा और मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुकी हूँ। एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल था मेरा, एशियन चैंपियनशिप में, और NIS क्वालिफाइड हूँ और अपने बैच की टॉपर रही हूँ मैं NIS में, रेसलिंग में भी और जो ओवरऑल जो गेम्स थे उनमें भी मैं गर्ल्स के अमंग मैं टॉपर थी। 17 गेम्स थे वहाँ, तो 17 गेम्स में जो लड़कियों में मैं टॉपर रही हूँ वहाँ। अच्छा मैम ये बताओ यहाँ पे कितनी लड़कियाँ रहती हैं? अभी यहाँ 55-6 हैं जो रहती हैं और बाकी जो बाहर से आते हैं वो अलग हैं लड़कियाँ। टोटल कितनी हो जाती है? टोटल 65 रहती हैं। अच्छा मैम ये बताओ यहाँ की फीस क्या है? फीस यहाँ की जो अंदर रहते हैं उनके लिए 5500 है। अच्छा 5500 5500। अच्छा उसमें क्या क्या डाइट मिलती है? उसमें सुबह शाम का खाना है और बाकी अपनी ट्रेनिंग वगैरह जो है, सुबह दाल छोले राजमा जो ये अपना रहता है, और शाम को सीजनल सब्जी है हमारी, हफ्ते में एक दिन दो दिन पनीर। अच्छा मैम यहाँ पे कितने कोच हैं? कोच हम NIS क्वालिफाइड 3 कोच हैं और पापा भी अच्छे पहलवान रह चुके हैं और मेरे हस्बैंड हैं जो वो आर्मी में हैं, वो भी इंद केसरी हैं, अच्छे पहलवान हैं, तो वो भी बच्चों को टिप्स देते रहते हैं। अच्छा मैम लास्ट सवाल आपसे, आपका टारगेट क्या है? टारगेट ओलंपिक है। आपने बच्चों से भी पूछा होगा? हाँ ये ओलंपिक में मेडल आएगा हमारे बच्चों का आने वाले जो जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हो ना, इस प्रकार से 100% मेडल आएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। बारे में बताओ अपना इंट्रोडक्शन, अभी कहाँ से हो, क्या नाम आपका? भाई मैं युद्धवीर पहलवान भारत केसरी गांव सोटी। मैं भाई ये आड़े अपना सोनीपत में अखाड़ा है लड़कियों का। अच्छा पहले ये अचीवमेंट बताओ एक बार। अचीवमेंट भाई अपनी जैसे ये हिंदी केसरी का टाइटल है अपने पास, 2012 में जो जीता था वो जो महाराष्ट्र में था, जो सभी भारत के से बना के भारत के से मिले थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा और पहले जी को नेशनल इंटरेस्ट में आपका तो भाई नेशनल सीनियर नेशनल में भी मेडल है और जैसे वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप है, एक आर्मी का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है उसमें मेडल है। अच्छा पहले जी आपकी वेट कैटेगरी कौन सी थी? मेरी वेट कैटेगरी थी भाई 97 kg थी। 97 kg। अच्छा पहला जी ये बताओ आपको इसे एकेडमी का अच्छी खासी जॉब करते थे, आपको एकेडमी का आइडिया कैसे आया? भाई एकेडमी का आइडिया ऐसे आया कि हम भी यही सोच रहे थे जो हम अचीव नहीं कर पाए तो हम बच्चों की प्रैक्टिस करवा के उनसे अचीव करवाएं। एकेडमी कहाँ पे पड़ती है? ये ककोरी रोड सोनीपत है भाई, ककोरी रोड में सोनीपत में। कोई यहाँ नहीं कि फीस प्यास है पहला जी? फीस प्यास कुछ नहीं भाई, फ्री है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जो अपना खर्चा जो बाहर से बच्चे आते हैं उनका तो बिल्कुल फ्री है, जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं उनकी मैच की फीस थोड़ी लगती है, बाकी कोई फीस नहीं है। बाकी कोई किसी की फीस नहीं है। अच्छा पंडित लास्ट सवाल आपका टारगेट क्या है, बच्चे किस प्रकार के बनाने? टारगेट ये भाई आगे मतलब इतनी ओलंपिक का ही टारगेट है बच्चों का सभी का, और अच्छे लेवल पे जाके मेडल दें यही टारगेट है। अच्छा ओलंपिक लेवल पे बच्चे तैयार करें? ओलंपिक लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जाके। इंटरनेशनल तो आपकी है, कई लड़कियां हैं इंटरनेशनल में, ओलंपिक मेडल जाना वहाँ संतुष्टि होगी आपको? हाँ भाई हाँ ओलंपिक मेडल लेकर जब ये संतुष्टि होगी, हमें जो प्रयास किया था उसमें हम सफल हुए। ठीक है परंजी जैसे मेरे बहुत अच्छा लगे, भगवान से दुआ करें आपकी एकेडमी और तरक्की करे और आपके पहलवान ओलंपिक मेडल ले गए। थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई।